देखिए, ये राजस्थान में जो पर्ची सरकार है, ये केवल योजनाओं के नाम बदलने का काम कर रही है जो कांग्रेस की सरकार ने जनहित के लिए लागू की गई थी, और जो रोजगार हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उसको बेरोजगार करने का काम कर रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 5,000 बेरोजगारों को, जिनको रोजगार दिया गया था, उनको आज सड़क पे ला दिया, उनको बेरोजगार कर दिया। जैसे इंदिरा रसोई का उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई किया और चालू रखा, वैसे इनका नाम चेंज करके इनको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। अब निकाल दिया तो इनको वापस लेना चाहिए। इनका मुद्दा हम सदन में भी उठाएंगे, सड़क में भी उठाएंगे, और हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, ये ऐसे मुद्दों को लेकर के ही है कि जिनके साथ में अन्याय हो रहा है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी सरकार के कान तक वो बात जाए, सरकार मजबूर हो कि वो उनको न्याय दे, उनको रोजगार दे, उनकी बात को सुने। जिस प्रकार 145-146 सांसदों को निकाल करके ये जो कानून पारित किए हैं, मैं समझता हूँ ये तानाशाही जो की जा रही है केंद्र की सरकार के द्वारा, इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा भी हम लोग लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और राजस्थान में, मैं आपको खुले रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में इनको मजबूर कर देंगे कि ये कोई भी जनहित की योजना बंद नहीं कर पाएंगे, किसी को बेरोजगार नहीं कर पाएंगे। इनको वापस इन राजीव गांधी युवा मित्रों को लेना पड़ेगा। हम लोग संघर्ष करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।